नमस्कार, कैसे हैं आप सर? मैं पंकज सर आपका होप एंड लर्न चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने घरों में होंगे और इस चैनल को अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे होंगे। हमारा टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन करें और इस चैनल को अगर आप तक अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जाकर सब्सक्राइब करें ताकि जितनी भी प्लेलिस्ट है मेरी और बाकी फैकल्टीज की उसका आप लुत्फ उठा सकें, इस लॉकडाउन में अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकें। बहुत सारे नोटिफिकेशन आ गए, गवर्नमेंट के आरआरबी बैंक पीओ की नोटिफिकेशन आ गई है, एसएससी का रिजल्ट आ चुका है प्रीलिम्स का, बहुत कुछ है आपके पास करने के लिए। समय को व्यर्थ ना जाने दें क्योंकि अनपढ़ या कमजोर वो नहीं है जो सीख नहीं पाता, अनपढ़ या कमजोर वो नहीं है जो सीख नहीं पाता, मेरी नजर में अनपढ़ या कमजोर वो है जो सीखना नहीं चाहता। जी हाँ, तो हाथ पे हाथ धरे ना बैठे रहें, सीखने की चेष्टा कभी खत्म ना करें और हम आपको लगातार सिखाते रहेंगे, बस हमें ज्वाइन करें, ऐसे ही प्यार अपना बनाए रखें हमारे ऊपर। और इसी प्यार को देखते हुए मैं मैथ्स मैराथन 2.0 लेके आया हूँ आपके लिए, यानी अपने मैथ्स मैराथन का दूसरा भाग लेके आया हूँ, जहां पे आप थंबनेल में देख ही सकते हैं एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, DSSSB तथा गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम्स हैं उसकी सटीक प्रिपरेशन आपको यहाँ पे कराई जाएगी। और मैं यहाँ पे वही क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं कई सालों में, या फिर आने की आशंका उनकी सबसे ज्यादा है। तो इधर उधर की पढ़ाई ज्यादा ना करें, सटीक जानकारी हासिल करें, सटीक तैयारी करें और चैनल को फॉलो करते रहें, अपना प्यार बनाए रखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने तक सीमित ना रखें, लोगों तक फैलाते रहें। शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक को, नंबर सिस्टम। तो मैंने इस तैयारी को नंबर सिस्टम से शुरू इसलिए किया, मैं पूरी अरिथमेटिक की सीरीज चलाऊंगा तकरीबन 2 महीने तक, रेगुलर वीडियोस मिलेंगे आपको। तो मैंने नंबर सिस्टम से इसलिए शुरुआत की, ये सबसे वृहद टॉपिक है मेरे हिसाब से, सबसे डिस्क्रिप्टिव है और इसको अगर मैं तरीके से पढ़ाऊं तो छोटे छोटे लेक्चर्स भी बनाऊं तो 7 से 8 लेक्चर्स की तकरीबन जरूरत पड़ेगी। तो आप मजे लेते रहें, लुत्फ उठाते रहें, अच्छे तरीके से पढ़ें, प्रैक्टिस करें, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें आपको हमारी मेथोडोलॉजी कैसी लगती है, कोई भी इंप्रोवाइजेशन आपको चाहिए हो, कोई रेक्टिफिकेशन करनी हो, यू आर फ्री टू स्पीक, यू आर फ्री टू राइट ओवर देयर। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक को, संख्या पद्धति भाग 1 नंबर सिस्टम पार्ट 1। जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, जिनको आता हो वो रिवाइज करें, नहीं आता हो कृपया ऐसे सीखें। तो डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते हैं। कई साल पहले ऐसे क्वेश्चंस आते थे, पिछले साल भी मैंने ऐसा क्वेश्चन देखा और आने वाले सालों में भी आने की चांसेस है, क्योंकि अभी भी कई विद्यार्थी हैं जिनको डेसिमल और बाइनरी नंबर में फर्क नहीं पता। एक छोटे से क्वेश्चन को लेके मैं स्टार्ट करता हूं, बड़े आसानी से समझ जाएंगे आप। तो जैसे कि मैंने एक संख्या ली 101, एग्जाम का ही क्वेश्चन है, एग्जाम में सवाल आया था कि इसे बाइनरी में कन्वर्ट करें, तो क्या करना होता है जरा देखें। आप सिर्फ 2 से इसे डिवाइड करते रहे, तरीका बताता हूं। इस संख्या को, जो भी संख्या दी हुई है उसको 2 से डिवाइड करते रहें और इधर जो है वो रिमाइंडर लिखते रहें, शेषफल लिखते रहें, सही? तो 2 से आपने किया तो 50 बार 100, रिमाइंडर क्या रह गया 1, फिर 2 से करेंगे 25, रिमाइंडर क्या रह गया 0, फिर 2 से करेंगे तो कितनी बार जाएगा ये 12, तो रिमाइंडर क्या रह गया 1, 2 से करेंगे तो 6, रिमाइंडर क्या रहेगा 0, 2 से करेंगे तो 3, रिमाइंडर क्या रहेगा 0, 2 से करेंगे तो 1, रिमाइंडर क्या रह गया 1, और फिर 2 से अभी जाएगा नहीं तो रिमाइंडर वापस से 1 बच गया, सही? तो क्या नियम है, इसे तब तक 2 से भाग देते रहें, डिवाइड करते रहें जब तक आपका फाइनल रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता, माफ कीजिएगा फाइनल क्वेश्चन आपका 0 नहीं आ जाता, और फिर आपका आंसर आ चुका है। कैसे, इसे पलट के लिख दें, इस क्रम में लिखें, नीचे से ऊपर वाले क्रम में लिखें, यानी 11 00 101 11 00 101, नीचे से ऊपर के क्रम में लिखें और यही करेक्ट आंसर है। हमने 101 को बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। जिनको समझ आ गया स्क्रीनशॉट लेते रहें, जिन्हें नहीं समझ आया सब्र रखें, एक और क्वेश्चन उठाते हैं एग्जाम का, पक्की बात है आपको समझ आ जाएगी ये चीज, पहली बार कर रहे हैं बड़े ध्यान से समझें। तो मैं एग्जाम का एक और क्वेश्चन उठा रहा हूं और यह है 99, जी हाँ ये है 99। तो 99 को भी समझें कैसे करना है, बहुत ही सरल तरीका है, हमें 2 से भाग देते रहना जब तक हमारा क्वेश्चन 0 नहीं बनता, इधर हमें शेषफल यानी रिमाइंडर को लिखते जाना। तो 2 से करते हैं 49, रिमाइंडर कितना हो गया 1, ऊपर लिख रहे हैं यहां पे, फिर 2 से करते हैं तो 24 बार देंगे तो 48, रिमाइंडर 1, फिर 2 से करते हैं 12, रिमाइंडर 0, 2 से करते हैं 6 तो रिमाइंडर 0, फिर 2 से करते हैं 3 तो रिमाइंडर 0, फिर 2 से करते हैं तो 1, रिमाइंडर 1, और फिर 2 से अब जाएगा नहीं तो रिमाइंडर 1। तो यानी हमने तब तक किया जब तक हमारा क्वेश्चन 0 न बन गया। अब इसको उल्टे क्रम में लिखते हैं नीचे से ऊपर की ओर, हमारा आंसर आ जाएगा। यानी आंसर क्या है, इधर से लिखें इस क्रम में 11 000 001, ये देखिए हमारा आंसर आ गया।
तो इस तरीके से हम किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। सिर्फ क्या करना है, दो से भाग देते रहे जब तक आपका क्वेश्चन जीरो नहीं बन जाता, रिमाइंडर को साइड में लिखते रहे, और जी हाँ आपको दो से ही भाग देना है, ठीक है, और फिर आप फाइनली इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं, वही आपका आंसर है, ठीक है। तो एग्जाम के दो क्वेश्चन थे जो मैंने डिस्कस किए, आइए सीखते हैं हम बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ऐसे सवाल भी आ सकते हैं, हालांकि अभी तक सिर्फ डेसिमल से बाइनरी आया है, पर आप अगर एक स्टेप आगे सोचें एग्जामिनर से तो बेहतर है आपके लिए, तो आप बाइनरी से डेसिमल भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जरा देखें, जुड़े रहें बस। मैं इसी क्वेश्चन को करके आपको दिखाता हूं ताकि आपकी वेरिफिकेशन भी हो जाएगी और आप बड़ी आसानी से समझ भी जाएंगे मैं कहना क्या चाहता हूं। इसी क्वेश्चन को करके देखते हैं, सही। तो क्वेश्चन ऐसा है कि कन्वर्ट, मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन उठाता हूं जो एग्जाम में आ चुका है, कन्वर्ट 11100001, यही क्वेश्चन है, 11100001 इंटू डेसिमल नंबर। तो हमसे उल्टा पूछ दिया, सही, हमें इसे कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल नंबर। तो देखें कैसे करें, यहां भी रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, आपको पता है आप ऐसे लिख रहे थे, तो पहले रिवर्स में इसको लिखना है फटाफट, 1 1, तीन बार 0 और फिर 1 और 1, सही। और आपने दो से यहां पे डिवाइड किया, तो यहां दो से मल्टीप्लाई करना है, कैसे मल्टीप्लाई करना है देखें, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 से इसको मल्टीप्लाई करें, 2 की पावर 2 से इसे, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, ऐसे सब सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और इन सबको एंड में जोड़ दें, सबको क्या करना है जोड़ दें। तो आप मतलब बेसिकली आप कर क्या रहे हैं, 2 की पावर 0 से लेके बढ़ाते जा रहे हैं, 2 की पावर बढ़ रही है, देखें 0 1 2 3 4 5 6, सही, इस तरीके से। तो आप देखिए जहां पे 0 है वहां तो आंसर हमारा 0 ही हो जाएगा, उसे करने की जरूरत ही नहीं है, क्या रह गया, यहां से आंसर क्या आया, 1, क्योंकि किसी की पावर 0 क्या होती है, 1, जब मैं एक्सपोनेंट्स पावर पढ़ाऊंगा तो कवर करूंगा क्यों। यहां से आंसर क्या आ गया, 2, यहां से आंसर क्या आ रहा है हमारा, 2 की पावर 5 यानी 32 और 2 की पावर 6 यानी 64, हमारा आंसर क्या आ गया, 60 32 90 94 96 98 99। आप देखिए हमें वापस वही नंबर मिल गया, हमें वापस से वही नंबर मिल गया जहां से हमने शुरुआत की थी। तो आपने दो इंपॉर्टेंट चीजें सीख ली, एग्जाम में आते रहे हैं काफी सारे टाइम्स प्रीलिम्स में और कई बार मेंस में भी पूछा हुआ है, तो आपने ये चीज सीख ली कि हम डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं। जब आपको डेसिमल से बाइनरी में जाना है तो आप दो से भाग देते रहे जब तक आपका क्वेश्चन जीरो नहीं हो जाता, और जो भी आपका शेषफल जो भी रिमाइंडर आ रहा है इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दें कि आपका आंसर होगा, और दो से भाग देना मुझे नहीं लगता कोई बड़ी बात है, तो आसानी से आप कर सकते हैं बिना एरर किए। और जब आप इसी बाइनरी को वापस डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो आप क्या करते हैं, पहले तो आप सवाल को उल्टे ऑर्डर में लिख लेते हैं जिस तरीके से हमने यहां पे किया था, सही। लिखने के बाद आपने कुछ नहीं करना, 2 की पावर 0 और 2 की पावर बढ़ाते रहे, 0 1 2 3 4 5 6 बढ़ाते रहे पावर को, सही, गुणा करते रहे, और याद रखें जहां जहां पे 0 है उसको कैलकुलेट ना करें क्योंकि वो तो आंसर 0 हो ही जाना है, जो शेष रह गया उसे जोड़ दें आपको वापस वही नंबर मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको मैंने 101 का भी एग्जांपल बताया था, आप घर पे जरूर प्रैक्टिस करें उसे और हमें बताएं कि आप आसानी से कर पा रहे हैं या नहीं। ऐसे बहुत सारे नंबर है जिनको आप कोई भी रैंडम नंबर लें, आप आसानी से डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और स्क्रीनशॉट जरूर लें, हमें लिख के बताएं आपको कैसी लगी ये वीडियोस। तो कल मिलते हैं फिर से, एक बहुत बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा मैं आपको नंबर सिस्टम की, और जुड़े रहें, ऐसे सराहते रहें, प्यार बढ़ाते रहें, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए।